आप देखिए, जबान के जरिए आप किसी का दिल जीत सकते हैं या किसी का दिल तोड़ सकते हैं। शीशा टूटे गुल मच जाए, शीशा टूटे गुल मच जाए, दिल टूटे आवाज ना आए। दिल कैसे टूटता है? पत्थर मारने से टूटता है, जबान से टूटता है और आवाज नहीं आती। अगर तलवार का जख्म लगा हुआ है वो भर सकता है, लेकिन जबान का अगर जख्म लगा हुआ है तो जल्दी भरता नहीं। आप जबान के जरिए दिल जीत सकते हैं, हारी हुई जंग जीत सकते हैं, और जबान का अगर गलत इस्तेमाल किया तो मसला गड़बड़ हो सकता है। जरा हाथ सेनानी लहल तियामो वला यलतामो माजर हल लिसानो, कि अगर तलवार का जख्म लग जाए तो भर सकता है, लेकिन जबान का जख्म लग जाए तो नहीं भरता। आप देख लीजिए, जबान के जरिए आदमी झूठ बोल रहा है तो जबान के साथ नाइंसाफी कर रहा है, चढ़ाने वाले जुमले इस्तेमाल कर रहा, नाइंसाफी कर रहा, गीबत कर रहा, पीठ पीछे बुरा भरा बोल रहा। अरे भाई, सामने बोलने का कि पीठ पीछे बोलेंगे तो यह जबान के साथ नाइंसाफी हो रही है। इंसाफ यह है सामने बोला जाए, झूठ नहीं बोलने का, झूठी तारीफ नहीं करने का, जो सही है वही करने का। आप देख लीजिए कुछ नेता लोग क्या करते हैं, अपनी जबान का कैसे इस्तेमाल करते हैं। वो भाषण देते, भाई पब्लिक को भाषण नहीं राशन चाहिए, भाषण के साथ साथ राशन भी चाहिए। आप देख लीजिए, पुराने जमाने से चला आ रहा है कि नेता टाइप के लोग अपनी जबान का इस्तेमाल घुमाने के लिए भी करते हैं, कौम को किस तरीके से बेवकूफ बनाते हैं। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी ने कुछ नहीं किया, हम ही कुछ करने वाले हैं। आप फिरौन को ले लीजिए, कैसे उसने अपनी कौम को बेवकूफ बनाया, बढ़ाया और चढ़ाया। सूरह ज़ुख़रुफ़ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 51 से आयत नंबर 56 के दरमियान पढ़िए, मैं इन आयतों की तर्जुमानी करूँगा। वनादा फिरौन फी कौमिही क़ाल या कौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून। फिरौन ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, देखो क्या मेरे लिए मिस्र की बादशाहत नहीं है? मैं मिस्र का बादशाह नहीं हूँ, ये नहरें जो जारी है वो मेरे लिए नहीं है, तुम लोग देख नहीं रहे हो? और जबान का उसने कैसे गलत इस्तेमाल किया। अमाना खैरु मिन हाज़ल लज़ी हुवा महीनु वला यकाद युबीन फलौला उल्किया अलैहि अस्वरतुम मिन ज़हबिन औ जाअ मअहु अल मलाइकतु मुक़्तरिनीन फस्तख़फ़ क़ौमहु फ़अतअऊ इन्नहुम कानू क़ौमन फ़ासिक़ीन। फिर वो अपने आप को बड़ा बोलने लगा। इसलिए आदमी अपनी जबान का गलत इस्तेमाल कैसे करता, मैं बड़ा हूँ, मेरा खानदान बड़ा है, मेरे पास दौलत है। जी नहीं, बड़ा वो है जिसको रब ने बड़ा किया है। रब किसी के चेहरे को नहीं देखता, किसी के माल को नहीं देखता, किसी की दौलत को नहीं देखता, अल्लाह ताला दिल को देखता है और आमाल को देखता है। तो उसने अपने आप को बड़ा समझा और मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की। इसलिए आप देखिए, जबान का जब गलत इस्तेमाल होगा तो हम किसी की तौहीन करते हैं, तू ऐसा है, तू घटिया है, तेरा ख़ानदान घटिया है, क्या बात करेगा, अरे तेरे पास कुछ बचा बात करने के लिए, जा यहाँ से चला जा। तो कुछ सेठ लोग भी अपने नौकर को डांटते हैं, फटकारते हैं, जबान का गलत इस्तेमाल, जबान के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। इसलिए फिरौन ने भी अपने जबान के साथ नाइंसाफी की और कहा, फस्तख़फ़ क़ौमहु फ़अतअऊ, अपने कौम को उसने बेवकूफ़ बनाया, हल्का किया यानी उसको बहलाया फुसलाया, तो कौम ने बात मान ली। इसलिए जब कौम को सब्ज ख्वाब दिखाए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि ये कर देंगे, ये कर देंगे, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, अरे अच्छे दिन लाने वाला ऊपर वाला है, रोजी रोटी अल्लाह के हाथ में है, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता, कोशिश कर सकता है। तो फिरौन ने भी अपने कौम को बेवकूफ़ बनाया, अपनी जबान का गलत इस्तेमाल किया। तो क्या हुआ, कौम ने बात मान ली, बिलाखिर अंजाम बुरा हो गया, फिरौन के साथ उसकी कौम भी डूब गई। तो जबान की वजह से आदमी पकड़ लिया जाता है, अगर उसने गलत इस्तेमाल किया है तो बचेगा नहीं, पकड़ लिया जाएगा। इसलिए जबान का सही इस्तेमाल कीजिए, तौल के बोलिए, ऐसा नहीं बरबर करते रहिए, बड़बड़ाते रहिए, फायदा क्या है। अल्लाह के दीन की दावत और लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करें। आपके इस चैनल को और बेहतर बनाने के लिए आपका साथ जरूरी है। आई प्लस टीवी, बेहतर जिंदगी के लिए। अपने केबल या डीटीएच ऑपरेटर से आई प्लस टीवी आज ही डिमांड करें। आई प्लस टीवी फ्री टू एयर और इंडियन रजिस्टर्ड चैनल है।